नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 28 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की लाइव मार्केट प्राइस रेंज और एक्सपायरी के ऊपर, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सबसे पहले इसके आज के रिटर्न की स्थिति को देख लें तो अभी 11:50 हुए हैं और अभी तक लगभग 2.33 के पॉजिटिव रिटर्न के साथ इसकी जो ट्रेडिंग प्राइस चल रही है वो 39.45 रुपये की चल रही है। अब अगर आज इसके एक्सपायरी को एनालिसिस किया जाए और इसके प्राइस रेंज को समझने का अनुमान किया जाए तो उसके लिए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, जहां हम 28 मई की एक्सपायरी को देखेंगे। तो यहां देखेंगे कि इसकी एट द मनी अगर 40 रुपये को मान लें तो आप यहां कॉल की स्थिति में देखेंगे कि 3,61,800 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जो कॉल की अनवाइंडिंग हुई है, इसके बावजूद 18,03,600 ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 18,03,600 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे अभी भी खड़े हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के 40 रुपीज के टारगेट के लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं। अब इस प्राइस के ऊपर पुट राइडर्स की अगर पॉइंट ऑफ व्यू को देख लें तो यहाँ आप देखेंगे कि 2,32,200 पुट की अनवाइंडिंग हुई है, इसके बावजूद इसके ऊपर 7,18,200 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी मजबूत सपोर्ट के रूप में खड़े हैं। लेकिन ओवरऑल इस प्राइस रेंज को देख करके और कॉल और पुट के एनालिसिस को देख करके लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राइसिंग के लिए आज की जो एक्सपायरी होगी वह 40 एक टफ रेंज रहने वाला है और मैक्सिमम चांस है कि 40 रुपये पर एक्सपायरी हो या 40 रुपये से कुछ न कुछ नीचे के स्तरों पर हो। तो ये रहा आज के ऑप्शन चेन को देख करके आज के इसके प्राइस रेंज के बारे में एनालिसिस। अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर चार्ट पे देखें तो आप यहां देखेंगे लगातार फरवरी महीने से इसकी प्राइस में गिरावट आई है और जो सबसे बड़ी गिरावट थी वह थी 20 मई की, जिस दिन लो बना रहा था 36 रुपीज का। तो उसके बाद एक मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि इसमें बहुत अब नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद के ट्रेडिंग सेशन में ये उसी प्राइस रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से आप इसमें अच्छी तेजी देखेंगे और यहाँ पे इसकी RSI को देखेंगे, RSI की वैल्यू निकल के आ रही है 35.37 और इसमें एक मजबूती के संकेत आ रही है। और अगर MACD की बात करें तो MACD में भी एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज है। तो कहीं ना कहीं MACD और RSI और आज के प्राइस की मूवमेंट को देख करके लग रहा है कि प्राइस में मजबूती रहनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन चेन के एनालिसिस के आधार पर अगर कहें और आज इसके प्राइस मूवमेंट को देख करके ये लग रहा है कि इसकी एक्सपायरी 40 रुपये से नीचे या 40 रुपये तक ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा लाइव मार्केट की एनालिसिस, जिसमें हमने ऑप्शन चेन को देखा, जिसमें हमने प्राइस रेंज को देखा, जिसमें हमने RSI को देखा। अब इसके कारोबार की स्थिति को देख लें तो आप यहां देखेंगे कि एक ह्यूज क्वांटिटी की ट्रेडिंग चल रही है। अभी मुश्किल से 11:56 हुए हैं, तब तक 2,44,78,134 शेयर्स की ट्रेडिंग हो चुकी है और जिसमें डिलीवरी 76,14,064 शेयर्स की डिलीवरी हो चुकी है और बहुत स्ट्रांग डिलीवरी परसेंट निकल के आ रही है, लगभग 33.5% का। तो फ्रेंड्स, ये सारे सीन ये बता रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आने वाले दिनों में मजबूती के संकेत रहेंगे, लेकिन आज के दिन में अगर इंट्राडे की बात करें तो यहां पर 40 रुपये एक इसके लिए बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये रही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके आधार पर आज आप अपनी एक रणनीति बना सकते हैं और अपनी रिसर्च कर लें, रिसर्च करके कोई रणनीति बनाएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।